Hello, my dear viewers. As you know, we have started the series of practical file for CBSC Class 10 Information Technology Subject Core 402. In our previous video, we have discussed the 8 practical that was based on scenarios. और इस वीडियो में हम एक नया practical discuss करेंगे जो आपका goal seek पर based रहेगा. So this is Swati Chapla, your educator and mentor. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से channel पर. तो करते हैं वीडियो की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आपको पता ही है क्या करना है. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट ऐसे ही आगे जितनी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोस हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आपके पास पहुंचे. और इस वीडियो को भरपूर दिल खोल कर अपना प्यार दीजिएगा, और वो आपको पता ही है कैसे देना है. ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस वीडियो को जरूर देना. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नाउ लेट्स रीड दिस आउट कि व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस इफ द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज नोन बाय यूजिंग गोल सीक ऑपरेशन. कि आपका जो गोल सीक ऑपरेशन है या फिर गोल सीक टूल कह लीजिए, ये आपका बैक ट्रैकिंग पर बेस्ड रहते हैं. बैक ट्रैकिंग मीन्स आपको आउटपुट पता है क्या चाहिए, बेस्ड ऑन दैट आप अपना इनपुट फाइंड आउट करते हो. तो जैसे हमारे पास वैल्यूज होती है लाइक सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, फिर हम अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. इसमें मुझे प्रॉफिट पता है कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, ये सेलिंग प्राइस है, तो व्हाट विल बी माई कॉस्ट प्राइस. ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है. आप चाहो तो गोल सीक टूल का यूज करके कोई भी एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिकल फाइल में एड ऑन कर सकते हो, राइट. तो एज यू कैन सी ये प्रैक्टिकल फाइल हमने स्टार्ट की थी, इसको मैंने इंडेक्स में ऐड कर दिया है इस प्रैक्टिकल को, और अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, राइट. जो स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल फाइल की सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आई होप आपको पता है कि हम साथ साथ ये वाले प्रैक्टिकल फाइल को प्रिपेयर कर रहे हैं. इससे भी बढ़िया प्रैक्टिकल फाइल अब तक आपके प्रिपेयर हो गई होगी, राइट. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेप वन. इसको हम राइट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, अब आप चाहो तो इसकी गोल सीक की डेफिनेशन भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, कि यूजुअली गोल सीक इज यूज्ड टू कैलकुलेट अ रिजल्ट बेस्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग गोल सीक ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू में है. वी कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट. कि अगर मुझे प्रॉफिट ये चाहिए तो उसके लिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा, राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ओपन ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं. यहाँ पर हम अपना सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, ये हमारा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट. यहाँ पर हमने पहले कोई वैल्यूज लिख दी. अब प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे, मुझे फॉर्मूला लगाना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट. ये हमारा फॉर्मूला आ गया. अब एक बार जरा इसको स्क्रॉल करके इसके हम स्टेप्स लिख लेते हैं, राइट. आप चाहो तो इन स्टेप्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो. तो बेसिकली जो चीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वही हमें क्या करना है, उसी के बारे में हमें लिखना है. तो प्लेस द कर्सर इन द फॉर्मूला सेल एंड देन चूज टूल्स और गोल सीक. तो हम स्टेप वन में लिख देंगे एंटर द वैल्यूज ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके हम अपना वो कैलकुलेट कर लेंगे. फिर है हमारे पास स्टेप टू. स्टेप टू पे मुझे क्या करना है, प्लेस द कर्सर इन द फॉर्मूला सेल एंड देन चूज टूल्स और गोल सीक. ये चीज करनी है, राइट. तो इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. प्लेस द कर्सर इन द फॉर्मूला सेल, इस बी फोर को हम हटा देंगे एंड देन चूज टूल्स और गोल सीक. इसका भी स्क्रीनशॉट हम लगा देते हैं स्टेप वन में कि हमने वैल्यूज एंटर कर दी हैं, राइट.
विंडोज की शिफ्ट और एस से आप अपना पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपको कंप्लीट स्क्रीन का ही स्क्रीनशॉट लेना है तो वहां पर आप सिंपल प्रिंट स्क्रीन को भी प्रेस कर सकते हो, राइट। यहां से हमने ये स्क्रीनशॉट लिया इसका, और यहां पर हमने इसको स्टेप वन के बाद पेस्ट कर, राइट। इसका साइज हम डिक्रीज कर देंगे, और यहां से फिर हमने टूल्स मेन्यू पर जाकर के इसको सेलेक्ट करना है। टूल्स मेन्यू पर गए और यहाँ पर हमारे पास है गोल सी, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे टूल्स मेन्यू को, और यहाँ से हम हाईलाइट कर देंगे गोल सी, राइट। तो हमारे पास प्रिंट स्क्रीन होता है कि अगर मुझे कंप्लीट स्क्रीन का ही स्क्रीनशॉट पेस्ट करना हो, ये भी हमने कर दिया। तो अब हम टूल्स पर गए, गोल सी पर जाएंगे, यहाँ से ये विंडो हमारे पास आ जाएगी, राइट। इसको हम यहाँ रख लें। फॉर्मूला सेल ये हमने सेलेक्ट कर दिया। टारगेट वैल्यू मीन्स प्रॉफिट, आपको लेट सपोज मुझे 350 सेलिंग प्राइस है, ठीक है, प्रॉफिट मुझे चाहिए 200। वेरिएबल सेल किसकी वैल्यू को मुझे चेंज करना है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, राइट। तो हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को सेलेक्ट कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले थोड़े से हम स्टेप्स लिख लेते हैं। ऑन द गोल सीक डायलॉग द करेक्ट सेल इज ऑलरेडी एंटर्ड इन द फॉर्मूला सेल फील्ड, क्यों, क्योंकि हमने उसको पहले स्टेप में सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो अगर आप चाहो तो इसको स्टेप थ्री में लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, प्लेस द कर्सर इन द वेरिएबल सेल फील्ड, स्टेप फोर हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज प्लेस द कर्सर इन द वेरिएबल सेल फील्ड, वेरिएबल सेल फील्ड में हम कर्सर प्लेस करेंगे, ठीक है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारा जो है नेक्स्ट क्या है, टारगेट वैल्यू मीन्स प्रॉफिट का मुझे कितना करना है, 100 है, मुझे कितना करना है इसको 200, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। स्टेप फोर में सेट द टारगेट वैल्यू एस 200 मीन्स प्रॉफिट विल बी 200, रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना रहेगा 200। उसके बाद वेरिएबल सेल में हम किसको सेलेक्ट करेंगे, कॉस्ट प्राइस को। नाउ स्टेप फाइव, प्लेस द कर्सर इन द वेरिएबल सेल, वेरिएबल सेल वाली फील्ड में हम कर्सर को प्लेस करेंगे, एंड देन सेलेक्ट द सेल ऑफ कॉस्ट प्राइस, कि मुझे किसको किस कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है, कॉस्ट प्राइस को। तो हम यहाँ पर टारगेट वैल्यू में क्या, सॉरी वेरिएबल सेल में क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को सेलेक्ट कर देंगे, राइट। उसके बाद हमने किस पर क्लिक करना है, ओके पर, तो यहाँ से हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, प्लस मुझे यहाँ पर किस पर क्लिक करना है, ओके पर, राइट। तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर दें, सारी वैल्यूज हो गई। फिर हमने ओके पर क्लिक करा, तो जैसे हमने ओके पर क्लिक करा, हमारा यहाँ पर इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि गोल सीक हमारा सक्सेसफुल हो गया। इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। अब वो कह रहे हैं कि गोल सीक सक्सेसफुल, कि आपका जो प्रॉफिट है वो 200 कब आएगा, अगर आप वहां पर कॉस्ट प्राइस में क्या इंसर्ट कर दो 150, तो मुझे इंसर्ट करना है, यस। तो एज यू कैन सी हियर, मेरा प्रॉफिट 200 हो गया है, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो वैल्यू वहाँ पर क्या आ गई है, 150, राइट। तो अगर आप चाहो तो इसके बीच के स्टेप्स को भी यहाँ पर लिख सकते हो। डिजायर्ड रिजल्ट हमने लिख दिया है, आप इसको चाहो तो अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टेप फाइव तक हमने लिख दिया, स्टेप सिक्स में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि गोल सीक परफॉर्म सक्सेसफुली, और वैल्यूज को हम फाइनली वहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, राइट। तो विद दिस प्रैक्टिकल जो हमने गोल सीक का करा, ये भी परफॉर्म हो चुका है सक्सेसफुली। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिकल के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।